नमस्कार दोस्तों, लोशु पद्धति में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक नंबर सूर्य ग्रह का है और लोशु के हिसाब से ये जल तत्व है और दिशा उत्तर है। दोनों की अपनी अपनी प्रेडिक्शन है, हम दोनों को साथ में देखेंगे। एक नंबर अगर एक बार है सूर्य का अंक होने की वजह से ये हमारी आत्मा का अंक है, जो हमारी अंतर आत्मा से आवाज निकलती है और उस पर हम अमल करते हैं। और लोशु में जल तत्व का मतलब है जैसे जल किसी भी बर्तन में डालें वैसा ही आकार ले लेता है, हम भी संसार में ऐसा ही करते हैं। एक नंबर का काम है कर्म करना। जैसे सूर्य हर दिन आता है और अपना कर्म करके चला जाता है, ऐसे ही लोग कर्म करते हैं। धन कमाना इनका लक्ष्य है, लोगों से संपर्क अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखते हैं और जितनी इनसे मदद हो करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, अपने मन की करते हैं, किसी से अपने मन की बात खोलकर नहीं करते, थोड़ा घबराहट में रहते हैं और आत्मविश्वास की कमी भी होती है। साधारण एवरेज जिंदगी जीते हैं। दो बार पीट होने से ये लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, दूसरों के सामने अपनी बात को रख पाते हैं और जैसा इंसान हो वैसी ही उससे बात करते हैं। कई बार ये ज़्यादा बोलते हैं और कभी कभी शांत बैठे होते हैं। अच्छी जॉब होती है और अपनी फील्ड में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। बैलेंस जिंदगी जीते हैं, ईमानदार और दूसरों की फीलिंग को समझते हैं। थोड़ा सा काम करने पर ही इनकी बहुत तारीफ होती है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, भीड़ में बोलने से नहीं डरते, अच्छे स्पीकर होते हैं और काम करने से पहले उस पर मनन करते हैं। तीन बार पीट होने से इनकी ऊर्जा शक्ति एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, इनसे चुप नहीं बैठा जाता, किसी भी बात में बोलने लगेंगे। ये कहीं भी हो, सफर में, पार्क में, विवाह शादी में और तो और फिल्म टीवी देखते देखते भी बोलते रहते हैं। ये बात नहीं है कि बुरा बोलते हैं, काम पर ध्यान नहीं देते, इसलिए कई बार इनको नौकरी बदलनी पड़ती है। 24 घंटे योजनाएँ बनाते रहते हैं लेकिन अमल में नहीं लाते, दूसरों की नहीं सुनते और ना ही किसी की फीलिंग को समझते हैं। बोलने की वजह से रिलेशन भी ख़राब कर लेते हैं। दिल के साफ होते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करने वाले होते हैं, नॉलेज का दिखावा करते हैं, हवाई बाज होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, सुनी सुनाई बातों को दोहराते रहते हैं। चार बार रिपीट होने से अपनी बात नहीं समझा पाते और ना ही किसी की बात को समझ पाते हैं। संवेदनशील होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, भीड़ के सामने नहीं बोल पाते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो जाते हैं, दूसरों को या उनकी बात को अनदेखा या अनसुना कर देते हैं, किसी से सहमत नहीं होते, बोलना नहीं आता, ईगो बहुत होती है, इसकी वजह से रिलेशन टूट जाते हैं, लेकिन दयालु होते हैं, काम करने में मदद करते हैं, समाज सेवक भी होते हैं लेकिन एक जगह नहीं टिकते। 5 बार रिपीट होने से घमंडी, क्रोधी, स्वार्थी, मैं मेरा की भावना होती है, हेंकड़ीबाज, कल्पना में रहना, मन अशांत, घबराहट, भीड़ में बोलते वक्त इनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, किसी बात का ध्यान नहीं रखते, अय्याशी करते हैं, लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और इनको पता भी नहीं चलता, ये समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, इनको पता नहीं इनको यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, ये थे रिपीटेड नंबर के कुछ नेगेटिव प्रभाव। तो क्या रिपीटेड नंबर का प्रभाव होगा ही होगा? क्या ये ठीक नहीं हो सकता? हो सकता है दोस्तों। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 या 5 नंबर अंक है, 5 नंबर बुद्धि जो कि कंट्रोल भी करता है और 3 नंबर आपको प्रकाश देता है, विजन देता है, दिमाग को सही दिशा दिखाता है, तो 3 और 5 में से कोई भी एक अंक है तो इनका प्रभाव कम हो जाता है। और इनका प्रभाव कम करने के लिए धार्मिक और मोटिवेशन किताबें पढ़ें, सत्संग सुनें, ध्यान लगाएं, अपने घर की उत्तर और पूर्व दिशा साफ रखें, गंदा जल वहां पर इकट्ठा ना होने दें, सूर्य की फोटो लगवाएं। तो आज के लिए इतना ही। लोशु की ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे पिछले वीडियो देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।